हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ट्रेवल। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे वीडियो सेटिंग के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था फोटो सेटिंग के बारे में, जैसे फोटो सेटिंग हमने किए थे तो सेम उसी तरह वीडियो सेटिंग करेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा पर वीडियो सेटिंग में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो सेटिंग के ऊपर। मेरे पास कैमरा है कैनन 200D Mark II और साथ ही 50mm का लेंस है, और इस लेंस के साथ मैं आप लोगों को वीडियो फुटेज दिखाऊंगा और वीडियो लूंगा तो कुछ सिनेमैटिक फुटेज भी आप लोगों को दिखा दूंगा, और कुछ ऐसा वीडियो है कि बैकग्राउंड कितना ब्लर हो रहा है और ब्लर होने का सेटिंग क्या है वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो सेटिंग के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेटिंग कुछ इस तरह रखना है। आपको जैसे मेरा पुराने वीडियो में बताया हूँ फोटो के लिए सेटिंग रखना है, तो सेम उसी तरह सेटिंग रखना है। यहाँ पे मैनुअल करना है और यहाँ पे जो आपका जो लेंस का जो फोकस पॉइंट है उसको ऑटो में रखना है, और यहाँ पे जो सेटिंग है सेटिंग बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको वीडियो फुटेज दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अपना लड़का खड़ा है तो उसका बैकग्राउंड देखिए बहुत ही ब्लर आया है। मतलब उतना ब्लर नहीं है पर ठीक ठाक ब्लर है। तो अगर मैं उसका क्लोज जाऊँगा तो आप देख सकते हैं इसका मैं जितना क्लोज जा रहा हूँ बैकग्राउंड देखिए उतना ज़्यादा ब्लर हो रहा है। तो मैं अगर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करूँगा तो आप देख सकते हैं जो बुके इफेक्ट है थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो यही इफेक्ट होता है वीडियो में जितना जो एल्बम वगैरह बनाते हैं तो इसी तरह होता है। अब सेटिंग की बात करेंगे। सेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं शटर स्पीड को रखना है 1/320। आप अपने लाइट के हिसाब से रखिए, जैसे मैं 500 अगर शटर स्पीड करता हूँ तो इसका जो अपर्चर है अपर्चर को 2.8 रखिए, क्योंकि 2.8 अगर अपर्चर रखेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है ज़्यादा ब्लर होगा। और ISO रेंज आपको रखना है अपने लाइट के हिसाब से, अगर लाइट कम है तो आप बढ़ा सकते हैं 200 तक रख सकते हैं, तो मैं 200 तक रखता हूँ। ज़्यादा धूप है तो आप 100 कीजिए, 100 रखिए, और बस इतना ही सेटिंग में। अगर इसको हिलाऊंगा भी, देखिए आप मैं कैमरा को हिला रहा हूँ तो आप देखिए वीडियो में कुछ शेक मतलब नहीं आ रहा, वीडियो मतलब क्लियर दिख रहा है। तो अगर आप इसको बढ़ाएंगे ना, अगर ये f/2.8 को अगर आप बढ़ा देंगे, देखिए वीडियो आप जितना ये करेंगे तो मतलब वीडियो क्लियर नहीं आएगा, थोड़ा ब्लर टाइप का मॉडल के ऊपर दिख जाएगा और लाइट बढ़ जाएगा। तो इसको कभी भी 2.8 पे रखिए डे लाइट पे अगर शूट कर रहे हैं, और ISO रेंज 200 और आपका जो शटर स्पीड है 1/500 रखिए बस। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर और एक नए वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।